भदोही प्रिंसिपल हत्याकांड, सीएम योगी सख्त, डीजीपी की मामले पर सीधी नजर, मौके पर एडीजी, हाफते दिखे एसपी सहित तमाम जिम्मेदार अफसर। भदोही में प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह हत्याकांड ने भदोही पुलिस की नींद उड़ा रखी है। जहां खराब कानून व्यवस्था को लेकर भदोही पुलिस की नेतृत्व क्षमता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, वहीं इस बड़ी घटना ने एक बार फिर भदोही पुलिस की नेतृत्व क्षमता को कटघरे में ला खड़ा किया है। सोचिए जरा, प्राप्त जानकारी और सीसीटीवी फुटेज और पुलिस जांच से यह बात सामने आ रही है कि घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर सुरियावा की तरफ भागे। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि या तो भदोही जिले की पुलिस इतनी सुस्त है कि जब तक पुलिस को मामले की जानकारी हुई तब तक हत्यारे भाग निकले, या फिर भदोही जनपद के अलग अलग चक्की चौराहों पर तैनात पुलिस निष्क्रिय है। यदि वास्तव में पुलिस सक्रिय होती तो घटना के तुरंत बाद चक्की चौराहों की नाकाबंदी कर हमलावरों को गिरफ्तार किया जा सकता था। प्रिंसिपल के ड्राइवर ने बताया कि हमलावर अपाचे बाइक से आए थे। सुरियावा और घटना स्थल के बीच मोड़ चौकी और कस्तूरीपुर चौराहे पर पुलिस हमेशा तैनात रहती है। दरअसल संबंधित मामले में सबसे पहले हल्का प्रभारी को निलंबित कर आगे की कार्रवाई प्रचलित होनी चाहिए। यदि पुलिस सक्रिय होती और समय से घटना की जानकारी मिल गई होती तो अलग अलग चौराहों पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा या फिर नजदीकी थाने द्वारा घेराबंदी करके अपराधियों को तत्काल पकड़ा जा सकता था। बताते चलें कि इस बड़ी घटना से क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल है। हालांकि स्थानीय जनता से अपील करना चाहेंगे कि जोन के अत्यंत सक्रिय और बेदाग अफसर भदोही की कानून व्यवस्था की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वर्तमान समय में एडीजी पीयूष मोडिया की निगरानी में भदोही की कानून व्यवस्था आम जनमानस को सुरक्षा की गारंटी दे रही है। आकाशभूमि समाचार लगातार खबरों के माध्यम से इस मामले पर आला अधिकारियों का ध्यान केंद्रित करता रहा है कि जनपद में हल्का प्रभारियों की कार्यशैली चिंताजनक है। बावजूद इसके जनपद के पुलिस विभाग के अधिकारी हल्का प्रभारियों की मनमानी पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुए हैं। दिन दहाड़े तड़तड़ाई गोलियों की गूंज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय तक जा पहुंची है। यूपी पुलिस के डीजीपी द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ प्रिंसिपल हत्याकांड की मॉनिटरिंग की जा रही है। मंगलवार 22 अक्टूबर को अपर पुलिस महानिरीक्षक पीयूष मोडिया ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए जनपद के पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया कि घटना का शीघ्र अनावरण करते हुए अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। 21 अक्टूबर को भदोही कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बसावनपुर अमरौली ग्राम सभा में इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज भदोही के प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह की अपाचे बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी थी। भाजपा काशी प्रांत मंत्री और कॉलेज प्रबंधक आशीष सिंह बघेल ने कहा, यह घटना बेहद निंदनीय है। इस विभत्स घटना से क्षेत्रीय निवासियों में डर का माहौल है। आशीष सिंह बघेल ने कहा कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को प्रिंसिपल हत्याकांड की एक एक महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया गया है। डीजीपी पूरे मामले पर खुद नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा कर पीड़ित परिवार के साथ साथ समस्त विद्यालय परिवार को न्याय दिलाने का काम करेगी, ताकि भयमुक्त वातावरण के साथ शिक्षकगण अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। भदोही में प्रतिष्ठित कॉलेज के प्रिंसिपल की हत्या से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सियासी पारा हाई है। मामला इस कदर पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा है कि एडीजी वाराणसी पीयूष मोडिया खुद घटनास्थल पर पहुंचे और घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। इसके बाद कोतवाली भदोही पहुंचकर जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा हत्याकांड में प्रचलित जांच के अलग अलग पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बात करते हुए अपर पुलिस महानिरीक्षक पीयूष मोडिया ने बताया कि पुलिस पारिवारिक रंजिश, प्रॉपर्टी डीलिंग, पूर्व में हुई मारपीट सहित अन्य सभी बिंदुओं पर जाँच कर रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। एडीजी ने कहा कि अपराधी की तलाश जारी है। जल्द ही गिरफ्तारी कर अपराधियों को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि मीडिया के माध्यम से आम जनमानस को बेहतर कानून व्यवस्था का विश्वास दिलाया जा सके। घटना के अनावरण के लिए पुलिस की अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। एडीजी पीयूष मोडिया ने जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि घटना के संबंध में किसी के पास कोई जानकारी हो तो पुलिस को सूचित करें। घटना के संबंध में जानकारी देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। हालांकि इस घटना ने यूपी पुलिस और योगी सरकार के अपराध मुक्त दावे पर कई सवाल खड़े किए हैं। मीडिया में लगातार भदोही की खराब पुलिस नेतृत्व क्षमता को लेकर खबरें प्रकाशित की जा रही हैं। बावजूद इसके जनपद के पुलिस विभाग के लापरवाह अफसरों की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं आया। यदि मुख्यमंत्री स्तर से विशेष टीम भेजकर भदोही की जनता के बीच भदोही पुलिस विभाग का फीडबैक लिया जाए तो भदोही पुलिस से जनता कितनी संतुष्ट है, इसका चौंकाने वाला सच सामने आ सकता है।
जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। प्रिंसिपल की मौत का भदोही पुलिस ने इसमें सभी बिंदुओं पर परीक्षण कर रही है और विवेचना अभी चल रही है। जो घटना घटी है दुखद है, परंतु ऐसा भी सामने आया कि कुछ विभिन्न तौर से उनकी रंजिश होने की संभावना हो सकती है, उसी के तहत अभी जांच जारी है। जल्दी इसका अनावरण कर लिया जाए और अनावरण होते ही आपको भी सूचित कर दिया। देखिए, पुलिस अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करती है कि अपराध ना करे, कोई व्यक्ति किसी प्रकार का ऐसा कृत्य ना करे जो दूसरे के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण करता है। और परंतु कई बार लोगों में आपसी विवाद होते हैं, कई तरह के परिवारों के अंदर विवाद, उनकी जानकारी पुलिस को जब तक इकट्ठा हो जाती है, उसके बाद भाई का भाई से क्या चल रहा है, ये कभी तब समझ में आता है झगड़ा हो चुका होता है, कोई किस प्रकार का कार्य हो चुका होता है। ऐसे में पुलिस इस प्रकार की घटना करते तो अनावरण के संपूर्ण प्रयास कर सकती है। इस मामले में व्यक्ति अपने घर से रवाना और रवाना होकर उनके घर गाँव से बाहर आने वाला जो रास्ता है, क्योंकि अमूमन सुनसान सा रहता है, वहाँ पर एक जगह पर उसकी गाड़ी यहाँ पर होती थी, वहाँ पर मोटरसाइकिल गाड़ी निश्चित ही वो लोग किसी अन्य उद्देश्य से नहीं बल्कि मार्मिक उद्देश्य से जाते हैं और किसी प्रकार की इनका विस्तृत नहीं था, उसका जानने का और अपराधियों को चिन्हित करने का प्रयास किया जाए और हम जल्दी इसमें सफल और अपराधी को पकड़कर आपके सकते हैं। अपना नाम बच्चे बता दें। मेरा नाम आशीष बघेल है और मैं संप्रत विश्वविद्यालय का प्रबंधक हूँ। इस विद्यालय में प्रधानाचार्य जी सेवारत थे, स्वर्गीय प्रधानाचार्य जी सेवारत थे और मैं पदेन काशी प्रांत का क्षेत्रीय मंत्री हूँ। जी, क्या कहेंगे, घटना के 24 घंटा बीत गए, पुलिस के हाथ में भी खाली पड़े हुए हैं, कोई सूचना नहीं उनके पास। देखिए रोजी, पुलिस पूरी तरह से मामले में मुस्तैदी से जाँच कर रही है और सभी उच्चाधिकारी मेरे संपर्क में हैं और इस मामले को, एक बड़ा मामला है, एक दिन दहाड़े हत्या हुई है एक सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय के प्रधानाचार्य की। पुलिस इस मामले को पूरी गंभीरता से जांच कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजी साहब इस मामले में सीधे नज़र रखे हुए हैं और एडीजी महोदय आज इस मामले की समीक्षा करने के लिए और देखने के लिए आज भदोही स्वयं आए हुए हैं और हमारा विश्वास पुलिस प्रशासन पर है, सरकार पर है और माननीय मुख्यमंत्री जी पर है। अतिशीघ्र इस मामले का पर्दाफाश होगा। क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा, क्योंकि उनकी छवि बड़ी साफ थी बताया जाता है, क्या लगता है आपको? मेरा तो एक बड़ा लंबा समय इनके साथ बीता है, सरल सहज छवि के व्यक्ति थे, बड़े ही डिसिप्लिन प्रिंसिपल थे, विद्यालय के प्रति इनका प्रेम, इनका समर्पण अद्भुत था, इसलिए कोई इस तरह की दुश्मनी जैसी बात तो मुझे नहीं लगती है। जो भी कारण हो, अतिशीघ्र पुलिस इस मामले की तह तक पहुँचेगी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लाइन ऑर्डर की व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद है, अपराधी बाहर है, जिस तरह से इस अपराधी ने देखा होकर गोली मारी है, फिर आराम से चला गया, सवाल इंसान नहीं उठते हैं पुलिस के ऊपर? देखिए, पुलिस के ऊपर सवाल तो आप पत्रकार हैं उठा सकते हैं, लेकिन इस घटना की आशंका कहीं भी नहीं थी, इन्हें न कोई धमकी मिली थी और न ही कोई इस तरह की इनका रिकॉर्ड आपराधिक रहा है, इसलिए मैं सीधे सीधे पुलिस को गलत नहीं ठहरा सकता, प्रशासन को। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, लेकिन यह है कि हमें मुख्यमंत्री जी के पे और अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है और अतिशीघ्र इस मामले का पर्दाफाश होगा। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।